साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने तमिल, तेलुगु और अब हिंदी फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत में विभिन्न भाषाओं की कई फिल्मों में से इन शीर्ष पांच फिल्मों ने न केवल अपार व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि एक अभिनेता के रूप में प्रभास की बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया, जिससे सिनेमा की दुनिया में एक प्रिय सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। पांच बाहुबली दो द कंक्लूजन 2017 में एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस महाकाव्य एक्शन और ड्रामा में प्रभास ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह फिल्म दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने प्रभास को अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम तक पहुंचा दिया। चार बाहुबली द बिगिनिंग 2015 में रिलीज हुई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दुनिया भर में लाखों दिलों पर कब्जा कर लिया। इसकी शानदार सफलता ने प्रभास को एक घरेलू नाम बना दिया, क्योंकि उन्होंने इस तेलुगु और तमिल भाषा की उत्कृष्ट कृति में दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राणा दग्गुबाती सहित अन्य कलाकारों के साथ दोहरी भूमिका निभाई। तीन मिर्ची कोराटाला शिवा द्वारा निर्देशित इस एक्शन से भरपूर ड्रामा में प्रभास ने अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राज्य और नंदी पुरस्कार सहित प्रशंसा अर्जित की। इस फिल्म ने पूरे भारत में विभिन्न पुरस्कार समारोहों में कई श्रेणियों में पुरस्कार जीते। दो वर्षम सोगन द्वारा निर्देशित 2004 की यह रोमांटिक एक्शन फिल्म प्रभास के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म की अपार लोकप्रियता ने प्रभास की स्थिति को उनके प्रशंसकों के दिलों में और भी मजबूत कर दिया। इस फिल्म में त्रिशा और गोपीचंद उनके सहकलाकार थे। एक साहो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हुए प्रभास ने सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन से भरपूर ड्रामा में अभिनय किया। तेलुगु और हिंदी में एक साथ बनी इस फिल्म ने प्रभास की हिंदी फिल्म की शुरुआत की और विभिन्न फिल्म उद्योगों में एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत की।